है एवरीवन, माय नेम इज़ सॉलोमन जोसेफ और अभी मैं हूँ इस वक्त लैंसडाउन में। तो बात कर लेते पहले कि मैं लैंसडाउन पहुँचा कैसे। मैं दिल्ली से आया हूँ लैंसडाउन और मैं दिल्ली से कोटद्वार तक आया हूँ बाई ट्रेन, और उसके बाद मैंने कोटद्वार से टैक्सी हायर की थी जो शेयर कैब थी, जिसने तकरीबन मुझसे 100 रुपये लिए हैं पर पर्सन, 100 रुपये चार्ज करते हैं कोटद्वार से लैंसडाउन आने तक। तो बाइक कैब मैं यहाँ पे आया हूँ। हम बात करें कोटद्वार से लैंसडाउन की दूरी, तो वो पड़ती है तकरीबन 38 या 39 किलोमीटर, और तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगता है यहाँ तक आने में। परंतु अगर आप 1.5 घंटा ट्रैवल कर रहे हो कैब में, आपको फील नहीं होगा कि आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि बीच में जो जो सीन्स आते हैं दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इनकेस अगर आप चढ़ाई पे आ रहे हो, आपको इश्यू है कि चढ़ाई पे चलने टाइम में आपको वॉमिटिंग आ जाती है, तो उस केस में आप कुछ प्रिकॉशन ले ले, आप कुछ पिल्स ले ले अपने पास में, ताकि आपको जब आप ट्रैवल कर रहे हो कैब के अंदर में, क्योंकि रोड जो है ज़िगज़ैग है, ऊपर घूमती रहती है, तो आपको वॉमिटिंग ना हो उस टाइम। अगर आपको कोई इशू है ऐसा, तो आप अगर आप चाहे तो आप अपने लिए कुछ मेडिसिन ले ले, ताकि आपको वॉमिटिंग ना हो ट्रैवलिंग के टाइम पे। अब हम जा रहे हैं देखने के लिए बुल्ला लेक, तो चलिए चलते बुल्ला लेक में और देखते हैं क्या है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं बुल्ला लेक पहुँच चुका हूँ। अब हमें जाना है अंदर, हमें लेनी पड़ेगी एंट्री टिकट, तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है खास। मैंने टिकट ले लिया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करें बुल्ला लेक की, तो यहाँ पे एंट्री फीस है जो 150 रुपये लगती है, उसमें एंट्री फीस है प्लस आप उसके अंदर वोटिंग भी कर सकते हो, परंतु आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। वो ये और कुछ इस प्रकार का टिकट है, और ये इसकी कीमत है 150 रुपये। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के बेंचेस बने हुए हैं, रेस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप आके रेस्ट कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो इस प्लेस को। सो वोटिंग करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लाइफ जैकेट पहननी है आपको, बच्चों का ध्यान रखना है खाली, और वोटिंग में स्विमर वो उपलब्ध नहीं होगा, तो इसलिए आपको बी केयरफुल रहना है, और आपकी वोट आपस में टकराने नहीं चाहिए, वोटिंग में खड़े नहीं होना है, अपनी सीट चेंज नहीं करनी ड्यूरिंग वोटिंग टाइम। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनका उनका आपको ध्यान रखना है। और वोटिंग से पहले मेन चीज़, लाइफ जैकेट्स आपको ज़रूर पहननी है, विदाउट लाइफ जैकेट आपको वोटिंग करने अलाउ नहीं किया जाएगा। बस गिर नहीं खाली, नहीं स्विंग आती है, दिक्कत नहीं है, स्विंग आती है। लॉक ना आ रहा है, डैम को दिक्कत नहीं आप। सो रेडी फॉर बोर्डिंग। यहाँ सारे कपल्स एंड फैमिलीज हैं, और मैं सिंगल आया था, तो इसलिए सोचा कि चलो अकेले वोटिंग कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले वोटिंग करने में स्विंग तो आती है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गिर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयार लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ध्यान रखना है टाइमिंग का, कि आप जब आपकी वोटिंग स्टार्ट हुई है तो आपको 15 मिनट ही आपको अलाउड होना है, 15 मिनट से ज़्यादा वोटिंग नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वोटिंग का वो है 15 मिनट। वैसे 15 मिनट का टाइम है वोटिंग करने का, बट मेरे पास टाइम कम है, तो मैं पूरे 15 मिनट वोटिंग नहीं करूँगा। मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है वोटिंग का, अब मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने एक नए प्लेस को। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी वोटिंग हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट प्लेस विजिट करने के लिए। पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंगल पर्सन अलाउड नहीं वोटिंग के लिए, बट मैंने भैया से पूछा जो यहाँ पे इंचार्ज है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपको स्विमिंग आती है तो हम फर्स्ट एक पर्सन को भी अलाउ कर देते हैं, बट इनकेस अगर उसको स्विमिंग नहीं आती है तो उसके साथ में कोई इंसान जाएगा। अगर आप अकेले आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको वोटिंग करनी है, तो नो प्रॉब्लम, आप इंचार्ज को बोल सकते हो, वो आपके साथ जाएगा या किसी एक बंदे को भेज देगा आपके साथ में। प्लस इतनी बड़ी प्लेस है नहीं बुल्ला लेक, छोटा सा प्लेस है, और बट हैया एक बात है कि नेचुरल बहुत है, यहाँ पे बहुत नेचुरलिटी है, बहुत हरियाली है, और बहुत शांत प्लेस है, बहुत कीप क्वाइट प्लेस है। अगर आप वीकेंड में आना चाहते हो कोई एक ऐसी जगह जहाँ बहुत शांति हो, जहाँ पर आप रिलैक्स कर सके कुछ दिन, एक दो दिन निकाल सके शांति के साथ में अपने वीकेंड में, तो मैं कहूँगा कि लैंसडाउन इज़ द बेस्ट प्लेस, बिकॉज ब्यूटीफुल प्लेस है, मुझे पसंद आया। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। सो फ्रेंड्स,
बुल्ला लेक पे आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, पार्किंग है यहाँ पे, रेस्टोरेंट भी है, अगर आप कुछ खाना चाहते हो आप तो आप खा सकते हो। परंतु मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आया था तो मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये लैंसडाउन का आर्मी पब्लिक स्कूल है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे रैली बहुत है और जंगल है, तो अगर आप किसी जंगली जानवर को या पशु को देखते हो या पक्षी देखते हो तो उसे आपको कुछ भी करना नहीं है, आप उसे छुए ना, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको किसी भी अन्य जन पशु या पक्षी को आपको कुछ भी हानि नहीं पहुँचानी है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। एंड अगर यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे जो हरियाली है, जो साफ़ सफाई है, उसका खास ध्यान रखिए, आप यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। सो फ्रेंड्स ये चर्च है लैंसडाउन का, आप देख सकते हो, बट अभी ये चर्च बंद है तो मैं इसलिए इसके अंदर नहीं जा सकता। मेरी विश थी प्रे करने की, बट अनफॉर्चुनेटली ये चर्च बंद है तो पॉसिबल नहीं है अंदर जाना, बट नो प्रॉब्लम, फिर कभी ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ टिप एंड टॉप, जो बहुत ही ऊपर है यार, सच में बहुत चढ़ना पड़ता है। अगर आप टिप एंड टॉप आ रहे हो घूमने के लिए बाय वॉकिंग तो मेक श्योर बहुत ऊंचाई पे है, बी रेडी, आपको चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इनकेस अगर आपको कोई इश्यू है चढ़ने में, चढ़ाई में, सांस में, तो थोड़ा रुक रुक के आए। सो फ्रेंड्स अगर आप टिप एंड टॉप आ रहे हो तो यहाँ पे एक एंट्री फीस है जो 20 रुपये है और टिकट कुछ इस प्रकार का है। तो अब आपको टिप एंड टॉप आने में आपको टिकट लेना पड़ेगा 20 रुपये का, जो कि पहले फ्री था, बट कोविड के बाद यहाँ पे 20 रुपये इसका एंट्री चार्ज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ टिप एंड टॉप, और यहाँ से आप पूरा हिमालय देख सकते हैं। और ये टिप एंड टॉप की ब्यूटी, तो फ्रेंड्स ये था टिप एंड टॉप जो मैं आपको दिखा दिया है, और इसकी ऊंचाई लगभग 1700 से 2000 मीटर के आसपास है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, और यहाँ से आप हिमालय का व्यू देख सकते हो। और प्लेस अच्छी है, आप वीकेंड में आ सकते हो देखने के लिए, अगर आना चाहते हो तो आप आ जाओ और अपना टाइम स्पेंड कर लो यहाँ पे। अब सो फ्रेंड्स ये था ब्लॉग लैंसडाउन का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी, और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हो या कुछ बताना हो आपको तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपके क्वेरीज़ का, आपके सवालों का जवाब देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं रेडी रहूँगा उसके लिए हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।